तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवित नंगरवाल, आप देख रहे हैं देवित नंगरवाल एसर टेलीकॉम चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेग्माफिक्स सॉफ्टवेयर के कुछ नए अपडेट के बारे में और चर्चा करेंगे बहुत सारे इसके नए इंटरेक्टेड पार्ट जो कि इन्होंने डाला है और हार्डवेयर सोल्यूशन, जी हाँ अपकमिंग हार्डवेयर सोल्यूशन जो कि मैं आपको बताऊँगा आने वाले समय में। दोस्तों अगर आप अभी लाइफ में अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अभी भी YouTube पर डिपेंड है और अभी भी आपको काम नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपको जाकर काम सीखना चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल लाइफ को अडॉप्ट कर सको और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सको। चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रेग्माफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या नए अपडेट आए हैं। क्योंकि पहले जब प्रेग्माफिक्स आया था तो उसने बिटमैप लेके आया, बिटमैप के साथ ऑलरेडी उसमें जो नए अपडेट बिटमैप के साथ में आए थे, उसके बाद जो उसमें बुक थी EMMC की बुक, आपकी UFS की बुक और उसके साथ में आईफोन रिपेयरिंग की बुक जो कि चार लैंग्वेज में थी, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और इंडोनेशिया। दोस्तों उसके साथ आपको वीडियो मिलने वाले थे चार लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और इंडोनेशिया, जिसमें हिंदी में हमारे वीडियो मिलने वाले थे। उसके साथ इस प्रेग्माफिक्स सॉफ्टवेयर में आपको मिलने वाला बहुत कुछ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंटरेक्टिव पार्ट उन्होंने क्या आपके लिए लेके आया है कि सर्किट डायग्राम और लेआउट के साथ में आप क्या नई चीज़ ढूंढ सकते हो और डायरेक्ट सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये आपने देखा होगा ऐप फाइंडर में, जो चीज़ ऐप फाइंडर में थी वो चीज़ आज प्रेग्माफिक्स ने अडॉप्ट किया, उसके साथ प्रेग्माफिक्स आपको नया हार्डवेयर सोल्यूशन भी देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें प्रेग्माफिक्स सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना है। और दोस्तों अगर आपने एसर टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा चैनल है और हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छे वीडियोस डले हुए हैं। करीबन 600 वीडियोस से ज़्यादा आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे और जो बिल्कुल आपको सोल्यूशन, जैसे अभी आईफोन 6 लोगो रीस्टार्ट सोल्यूशन डाला है, MI नोट 5 सिप EMMC चेंज हमने डाला है, BBAT फुल शॉट जो कि हमारे स्टूडेंट ने हमारे अपनी शॉप में बैठ के एक वीडियो बनाया है, उसके साथ भी और भी एसर टेलीकॉम के OBP IC सर्किट का सोल्यूशन डाला है, वीवो का फ्रंट कैमरा सोल्यूशन डाला है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एसर टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल पर, जिसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए चलते हैं प्रेग्माफिक्स में। ये प्रेग्माफिक्स के अपडेट का उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपना एक टैम्पलेट लगाया हुआ है और यहाँ बताया हुआ है कि प्रेग्माफिक्स में क्या क्या नए अपडेट आने वाले हैं। जितने भी बग्स हैं इन्होंने वो बग्स फिक्स किए हुए हैं। अक्सर सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे बग्स तो आते ही हैं, बग्स मतलब किसी कुछ थोड़ा बहुत एरर्स, जैसे खुलने के टाइम पे एरर्स आता है या फिर किसी भी टाइम पे, या कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाना या किसी लेआउट का नहीं खुलना या ज़्यादा हैंग करना, तो ये सारे बग्स को इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने हटाया है और विदाउट अब एरर, अब इसको हम बोल सकते हैं एरर फ्री सॉफ्टवेयर प्रेग्माफिक्स जो कि मिस्टर योंकी फेलाज और उनकी टीम ने बनाया है, शानदार काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ यहाँ पे हैं। ये इनका एक तरह से आप वेबसाइट का होम पेज देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने होम, यहाँ पे इन्होंने कंटेंट और यहाँ इन्होंने इन्फॉर्मेशन और यहाँ इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर से आप जाके आप देख रहे होंगे, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनसे सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बिटमैप PCB दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मोटरोला के G4+, तो मैं इसको डबल टिक करता हूँ और जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और इसने बिटमैप भी ओपन कर चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको बिटमैप या तो डॉट पैड या डॉट PCB बोलते हैं इनको, जहाँ हम एक टिप से दूसरे टिप्स की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा टिप्स या कौन सा IC का पैड किस टिप्स के कनेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ये A4 आता है और इसमें BGA221 लगा हुआ है, आपने इसकी EMMC निकाली इसका काम सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए और आपसे एक पैड निकल गया, जैसे कि आपसे ये वाला पैड निकल गया, तो अब आपसे ये पैड निकलेगा तो ये समझने के लिए कि भाई ये पैड किसके साथ जुड़ा है तो आपको सर्किट डायग्राम खोलना पड़ेगा, उसका नॉलेज चाहिए। यहाँ इन्होंने ये सरल कर दिया है। यहाँ अगर आप चाहे तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये पैड बता रहा है आपको CPU के अंदर जा रहा है, मतलब आपको CPU को निकाल के एक माइक्रो जंपर करना है या ये लाइन जो उसके बीच में होगी जिसको सरफेस लेयर बोलते हैं, उस लेयर को स्क्रैच करके भी आप ये पैड बना सकते हो। और जैसे जनरली आपने CPU का काम कर रहे हो, ये पैड निकल गया आपका CPU का, तो ये हमें बताता है कि कौन सी लाइन के साथ में ये पैड कनेक्टेड है। सो अगर हम देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर इस IC के अंदर डायरेक्ट जा रहा है ये पैड, देखिए आप, तो आप देख रहे होंगे कि ये IC के अंदर डायरेक्ट ये पैड जा रहा है।
मतलब अगर मान लीजिए सपोज मैं SIC का काम कर रहा हूँ, SIC पे मुझे GR या मुझे जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है, तो मुझे अपनी CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस PragmaFix लेकर आते हैं और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है आपके लिए, जिससे आप निकाल सको हर मोबाइल का इजी सोल्यूशंस और कमा सको अच्छे पैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ पावर AC के पास में जो आपको बूस्ट कॉइल मिल रही है, जो बक लाइन किया, जो हम जिसको बोलते हैं कोर वोल्टेज। सो आप देखेंगे कि यहाँ से एक सिरा इसका पावर से कनेक्टेड है, तो दूसरा सिरा इसका CPU के साथ कनेक्टेड है, जिसमें आपको फिल्ट्रेशन कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। सो ये वो एक सप्लाई होती है जिससे आप पावर को CPU को रन करने के लिए कुछ वोल्टेज देते हो, जो 0.4 से 0.9 या मैक्सिमम 1.1 तक होते हैं, जिससे CPU रन होता है। तो ये वाया बूस्ट जो ये जो कॉयल होती है, ये बूस्ट कॉयल या बक कन्वर्टर्स होते हैं, और इनकी एक अलग ही थ्योरी और एक इनका एक अलग काम होता है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इस पर काम कर रहे हो। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको बिट मैप दिखाई दिए, अब उसके साथ मोबाइल स्कीमेटिक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं। जैसे मैंने ओप्पो का A5 का स्कीमेटिक ओपन किया, सो जैसे आप देखोगे कि क्विक सेकंड में ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये ज़रा भी समय नहीं लेगा अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा इंटरनेट अपना आपका सर्वर जाम है, तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर, वो तो फेसबुक भी चलाओगे तो वो आपका स्लो ही चलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये आपके सर्किट डायग्राम की सप्लाई, जिसमें आप सपोज अगर मुझे इसमें LCD कनेक्टर्स की मान लो मुझे लाइट IC ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LED_A और देखूँगा एंटर मारूँगा, तो देखिए मुझे लाइट IC मिल गई है और यहाँ पे मेरी बैकलाइट LED, मुझे LCD बैकलाइट LED A मिल गया है। तो बहुत आसानी से दोस्तों हमारे को अगर कीवर्ड्स पता हो तो हम अपने सर्किट डायग्राम में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ने आते हैं, हम उनको तरह तरह के सीक्रेट और तरह तरह के शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ताकि उनके लिए सर्किट डायग्राम को पढ़ पाना और बहुत ज़्यादा इजी हो। पेज बाय पेज तो भाई कोई भी नहीं पढ़ता है, और एक अच्छा टेक्नीशियन वो है जो अपने समय को कम करके काम ज़्यादा करे। तो ये लाइन यहाँ जा रही है और इसकी ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है जो कि है ये लाइन जा रही है और ये इसकी जो नॉर्मल कॉइल लगी हुई है FV2102, और इसका जो बूस्ट कॉइल लगा हुआ है वो लगा हुआ है L2102। तो L2102 को इसके लेआउट में इसको सर्च करना है। तो ये तो हो गया मोबाइल के स्कीमेटिक, चलिए ये भी हम बंद कर देते हैं। ये हमने खोला, ये हमने बिटमैप समझा, ये है लैपटॉप के स्कीमेटिक। अगर आप एक ऐसे टेक्नीशियन हैं जो आप हार्डवेयर के मोबाइल हार्डवेयर के साथ लैपटॉप का भी काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो MSI के अगर मैं बात करूँ, सैमसंग के लैपटॉप की बात करूँ, तो बहुत सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कंप्लीट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जो आपको ये देखिए पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, हर IC की डिटेलिंग यहाँ पर, सर्किट जो भी सर्किट उसके होते हैं वो सब यहाँ पर डले हुए हैं, जो ईजिली इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि गूगल में आपको देखने ही नहीं मिलेंगे कभी। तो अब लैपटॉप के बाद मैंड्रिन बुक की बात करें, तो ये जैसे मैंने चार लैंग्वेज में बताया है कि इंग्लिश, फारसी, हिंदी और इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं हिंदी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो हिंदुस्तान के लिए बना रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान के लिए बना रहा हूँ। तो मेरे सारे हिंदी भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर MMC Aspart 7 MMC के यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, और UFS आने वाले समय में बहुत जल्दी अपडेट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरी बुक डली हुई है, और बुक के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए पूरा UEFI के साथ इन्होंने हर चीज़ डाली हुई है, कि जो इन्होंने लॉग के साथ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, उस लॉग की इन्फॉर्मेशन को डिटेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने की हुई है, ताकि आप UEFI के काम को भी बहुत आसानी से समझ जाओ। अब जैसे मान लो, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमारे पास एक ये आता है हाई स्पीड फील्ड करके, ये एरर टेस्ट पॉइंट TP, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको TP देखने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फेल्ड कर रहा है, अगर आपका MMC कनेक्ट नहीं कर रहा है और किसी वजह से फेल कर रहा है, तो आप उसको बूट मोड पे या उसके TP को कनेक्ट करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि TP को आपको टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ पे TP का आपका एक इन्होंने ऑप्शन देके रखा है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के आपको MMCs आपको मिलेगी, और जहाँ पर आपको ये जो लाल कलर का आपको यहाँ पर इन्होंने एक बनाया हुआ है, एक TP के ऊपर टेस्टिंग पॉइंट के ऊपर लाल कलर लगा दिया है, वो मतलब आपका टेस्टिंग पॉइंट है। आपको सिर्फ वहाँ से एक जंपर करना है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कनेक्ट TP रेड मार्क टू द ग्राउंड, आपको सिर्फ वो जो TP है उसको ग्राउंड के साथ जंपर करना है, और फिर इजीली आपको आइडेंटिफाई MMC को आपको आइडेंटिफाई करना है।
और उसके साथ में देखिए यहाँ पे जंपर आप कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत बहुत क्लियर बताया गया है आपको। जो लाल कलर का पॉइंट है, रेड कलर का पॉइंट है, उससे आपसे जंपर लेना है। और वो जंपर को देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, उस जंपर को लेकर ये देखिए आपको अपने UFI के जो सॉकेट होता है उस सॉकेट के इस पॉइंट पर लगाना है और उसके बाद आपको EMMC को कनेक्ट करना है। तो इससे आपका क्या होगा, तो आपका EMMC आसानी से पेयरिंग हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर अच्छा कनेक्ट करने के बाद में आपको उसका EMMC फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी बात, मतलब ये एक प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप EMMC सीखना चाहते हो, अगर आपने ISP सीखा है या जनरल प्रोग्रामिंग सीखा, तो मुझे लगता है वो EMMC में मतलब बहुत बेसिक है। आपको EMMC एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा, जहां आप EMMC चेंज भी कर सकते हैं, जहां EMMC डेड होने पर उसको कैसे कनेक्ट करना है, और जितना एंड लेवल पे हम कनेक्ट कर सकते हैं वो हमें तरीका आना चाहिए। क्योंकि क्या पता अगर हम किसी EMMC को जो कनेक्ट हो सकती है हम उसको डेड मान लें और अपने मोबाइल दे दें और कोई दूसरा बना लें। तो यहाँ पर आपको पूरी बुक मिलेगी, कमाल की चीज़ है। तो UFI इन्होंने बहुत खोल के रख दिया है यहाँ पर, और ये इन्होंने नए अपडेट में डाला हुआ है। उसके साथ मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेंटरिंग जो, उसके साथ मैं बात करूँगा मेंटरिंग जो वीडियो यहाँ पे डाले हुए हैं असेंबली डिसेंबलिंग के, इंग्लिश हिंदी इंडोनेशिया के। तो जैसे मैं इंग्लिश में वीडियो देखूँगा तो कनेक्टर के बारे में देखे, और यहाँ पे जो वीडियो बताएं ये मिस्टर योंकी फिलाज है, आइए सुनते हैं इनको। देखिए PCB के बारे में बहुत डिटेलिंग से बता रहे हैं कनेक्टर्स, और यहाँ पे आपको iPhone का बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। जो भाई Android का काम कर रहे हैं या कहीं से सीखा हुआ है वो ये सॉफ्टवेयर जरूर परचेस करें, ताकि आपको iPhone के डिटेलिंग आपको काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर उसी के साथ अगर आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी में ऑब्वियस है कि आपको मिलेंगे एशिया टेलीकॉम। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमने हिंदी में वीडियो बनाए हुए हैं। अच्छा यहाँ पर और भी मैं आपको जैसे देखिए आईफोन से यहाँ पर रिपेयरिंग के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हाय, मेरा नाम है देवता अग्रवाल, कैसे हैं आप सभी लोग, आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी है समीर जी का चैनल, और आप साथ ही ये वीडियो देखेंगे एशिया टेलीकॉम का। ये वीडियो एक्चुअली है एशिया टेलीकॉम। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे इसके मेन और सबसे खास पार्ट की, इंटरप्रेट पार्ट, जो कि मैं यहाँ पे जो मेन वीडियो इसके फोकस के लिए ही है। तो यहाँ पे इंटरप्रेट पार्ट में हम जाएंगे, और सबसे पहले हम आईफोन में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आईफोन आता है 7 Intel या 7 Qualcomm का आता है, तो देखिए तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मेरे पास में दो पार्ट में चीज़ें मिली हैं, एक मुझे डायग्राम मिला है और एक मुझे PCB लेआउट मिला है, और ऊपर आप देखेंगे कैटेगरी प्रॉब्लम की। तो मुझे यहाँ पर अगर मुझे आ रहा है फॉल्ट, मान लीजिए कि लाउड स्पीकर मेरा नहीं चल रहा है, आईफोन 7 क्वालकॉम मेरे पास आया और लाउड स्पीकर नहीं चल रहा, तो मुझे सिर्फ लाउड स्पीकर में टिप करना है, और उसके बाद मुझे इसकी यहाँ पर सप्लाई देखने को मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर जूम भी कर सकता हूँ, देखिए जूम भी कर सकता हूँ इसको, मैं PCB जैसे मेरा PCB पैड होता है वैसे भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ। साथ में मैं इसकी पहली सप्लाई को चेक करूँगा, तो मेरी पहली सप्लाई यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ इसके साथ मुझे सर्किट डायग्राम भी ओपन हो गया जिसमें तीन चीज़ बता रहा है, तो मैं इसको टिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहली सप्लाई बताई जा रही है, जो कि बताई जा रही है स्पीकर एम्पलीफायर, जो कि तो देखिए एक स्पीकर आउट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी इस पॉइंट के साथ, और एक स्पीकर आउट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इस पॉइंट के साथ, जो आपको देखिए डायरेक्ट सीधा IC के अंदर, ये आपकी IC है, इसके अंदर आपको पॉइंट हो रही है, और जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है C3422 और C3434, तो अगर मैं यहाँ पर C3434 देखूँगा तो मुझे स्पीकर आउट की सप्लाई नेगेटिव उसको मिल जाएगी। तो देखिए तो मुझे देखिए ये मुझे कैपेसिटर मिल गया, मतलब मुझे यहाँ पर बेसिकली GR चेक करना है।
अगर मैं C3422 देखूंगा, 3422 देखा मैं, 3434 देखता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए 3434 अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, ये देखिए C3434 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर अपनी पॉजिटिव की सप्लाई मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर मेरा इस आईसी के अंदर जा रहा है। और ये जो पैड है मेरा, ये है D2 और C2, ये जो पैड है मेरा, ये D2 और C2 पैड मेरे को मिल जाएगा। और सपोज़ मुझे यहाँ पर और कुछ कंपोनेंट चेक करने हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, कनेक्टर बताया गया है, स्पीकर आउट 51, 52 और 54 पे यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके साथ मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीकर एम्पलीफायर आउट नेगेटिव कनेक्ट हो रही है, जो कि यहाँ पर 1 पिन पे कनेक्ट हो रही है, जो कि आपकी ये है। अब तो पूरे डायग्राम के साथ आप यहाँ पर बहुत आसानी से खेल सकते हो। और अब इसके साथ वी सेंस, ये सारी सप्लाई आप इसकी चेक कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें मिल गई हैं, और जो जिस आईसी पे हमें काम करना है, वो आईसी हमारी जो स्पीकर एम्पलीफायर आईसी है, वो हमारी ये आईसी दिख रही है आप। और इस आईसी को आपको निकाल के चेंज और रिवॉल्वर्स के अंदर के जिया जरूर चेक कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी सिर्फ आईफोन में, और तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैग्माफिक सॉफ्टवेयर में। तो इसके साथ अब ये तो था एक आईफोन का, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको ओप्पो, सैमसंग, साउमी में आप देखेंगे मॉडल कुछ डले हुए हैं मोटोरोला के, और सैमसंग में आप देखेंगे तो बहुत सारे मॉडल यहाँ पर मिल जाएंगे। ओप्पो के भी आप देखेंगे बहुत सारे मॉडल आपको मिलेंगे, जैसे ओप्पो का A83 मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये एक अपडेट वर्जन है, इसके नए नए अपडेट आने वाले हैं, उसमें नया अपडेट जो आने वाला है वो है हार्डवेयर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा ओप्पो का A83 है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले आईसी की डिस्प्ले सप्लाई की बात करूं, तो यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले सप्लाई देखिए LCD डिस्प्ले में मैं चला जाता हूं, और यहाँ पर मुझे MI, सपोज मुझे MI डाटा या मुझे रिसेट की लाइन पता करनी है कि इसमें रिसेट की लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो यहाँ LCD रिसेट की लाइन पता करूँगा। तो देखिए पहला तो मुझे ये मिल गया, जो कि मेरे को यहाँ पर सीधा आईसी में बताया गया है U16101, जो कि मेरा आईसी में रिसेट की लाइन जा रहा है, जो कि यहाँ पर मेरा CPU लाइन हो सकता है। अगर मैं इसको चेक करूँ, देखिए तो मैं इसको चेक करूँगा जो मेरी, देखिए तो यहाँ पे बेसिकली मुझे पहले कंपोनेंट बताए, और देखिए ये मेरा आईसी है CPU लाइन पे, जो कि मेरे को जा रहा है। और ये इसका जो पैड है, ये है आपका AG26। ओके, तो अब मैं बात करूँ दूसरा और कौन कौन सी लाइन है मुझे जो मिलेंगी। देखिए यहाँ पर ये कनेक्टर के थ्रू मुझे LCD मिल गई है, तो मुझे पता चला है कि LCD कनेक्टर मेरी 16 नंबर पे जा रही है। तो इस तरह से मैं अपनी डिस्प्ले के पूरे कंपोनेंट को चेक कर सकता हूँ। तो इसके साथ काफ़ी आसान हो जाता है काम करना। अब जैसे सारी देखिए यहाँ पर पूरी लाइन यहाँ पर दी हुई है, डाटा की लाइन दी हुई है, क्लॉक की लाइन दी हुई है, डिस्प्ले के जिससे ग्राफिक्स मिलता है, टी के एंटीयरिंग इफेक्ट्स की बात करें या +5 वोल्टेज की बात करें। देखिए LCD का +5 वोल्टेज सबसे पहले डिस्प्ले करेक्टर में यहाँ बताया कि 20वें नंबर की पिन पे, जिस पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं C23। अब देखिए ये कैपेसिटर कहाँ लगे हुए हैं, तो ये है 19 और आपका कैपेसिटर है ये है आपका 23। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर ये बताया जा रहा है, तो ये देखिए। तो इसके साथ आप ये कैपेसिटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसकी सप्लाई बताऊं, तो देखिए सप्लाई में आपको एक 0 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है, जो कि डिस्प्ले आईसी बताई गई है U2301 यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ, ये मेरा कनेक्टर है, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर इस नंबर पर, ये मेरे 20वें नंबर की जो भी यहाँ पर मेरी पिन होगी, ये पिन है मेरी 20वें नंबर की पिन है। और इस पिन के साथ मुझे डिस्प्ले, देखो यहाँ पे भी आपको मेन +5 वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको +5 वोल्टेज चेक करना है, फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर +5 वोल्टेज चेक करने के बाद, ये देखिए आपका सीरीज ओम का रजिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मैं ये देखिए ये लगा हुआ है R2320। उसके बाद फिर ये आपका इस आईसी के अंदर चला जाए, तो ये आपका +5 वोल्ट का पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर E3 का
पॉइंट बनाता है जो कि आईसी के अंदर देखिएगा E3 बना रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी प्रैग्माफिक्स सॉफ्टवेयर में, और प्रैग्माफिक्स सॉफ्टवेयर को परचेस करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इनसे व्हाट्सअप कीजिए, ये ऑलवेज ऑनलाइन रहते हैं, ये आपको आंसर करेंगे। आप इनका नंबर ऐड कीजिए और इनको व्हाट्सअप करें और ये सॉफ्टवेयर परचेस करें जल्द से जल्द, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं। दोस्तों सीखने के हज़ार रास्ते हैं और बस रास्ता पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, ये सोच के कि मुझे आता है, मुझे सीखना नहीं है या ज़रूरत नहीं है, क्या पता आप इससे इतनी सारी चीज़ें मिल जाए जिसके आपके डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों हर टेक्नीशियन थोड़े बहुत डाउट लेके चलता है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन में डाउट होता है कि ये वोल्टेज कहाँ से मिलेगा या ये लाइन कहाँ से आएगी, पर्टिकुलर ये लाइन क्या काम करती है। तो अगर ये चीज़, क्योंकि देखो वो सबसे पहले है ना मोबाइल फ़ोन में कॉम्बो खोलना सीखता है, जैक लगाना सीखता है, रिंगर विंगर बदलना सीखता है दुकान में बैठ के, फिर यूट्यूब देखने लगता है, उसके बाद उसको लगता है कि मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा मैं 8 साल से, फिर वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर क्लास को ज्वाइन करता है, फिर वो आईसी निकालना लगाना सीखता है। अगर सही क्लास ज्वाइन कर ली जैसे हमारे एसी टेलीकॉम, तो वो पूरा सर्किट डायग्राम, आईसी निकालना लगाना, ईएमएमसी प्रो और सारी चीज़ें सीखेगा। बट अगर मान लीजिए वो सिर्फ आईसी निकालना लगाना वाला टेक्नीशियन बन गया, तो फिर वो ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ होगा, वो एक आधा नॉलेज की तरह होगा कि वो आईसी तो निकाल लेगा, वो WTR चेंज तो कर लेगा, वो आपका लाइट आईसी या पावर या निकाल लेगा, ईएमएमसी निकाल लेगा, बट वो सर्किट को पहचान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा कि लाइट कैसे वर्क कर रहा है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि रिंगर कैसे वर्क कर रहा है, लाइट अगर नहीं चला तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए EN सिग्नल, स्विचिंग के पॉइंट समझने के लिए प्रॉपर नॉलेज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो, और जितना हो सकता है भारी ज्ञान जैसे कि प्रैग्माफिक्स की बात करो तो वो ज़रूर परचेस करो, और अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच और ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह अपने आपको अपडेट करें, और क्योंकि अपडेट आप होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे।